नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 20 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एक बार फिर से आए 350 से कम कोविड-19 के मामले। बिहार डिस्ट्रिक्ट PRO भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर हुई शुरू। पटना में 10 जगहों पर बनेंगे IPT स्टैंड। बिहार में IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार में हर खेत को सिंचाई का 95% सर्वे हुआ पूरा। तो चले बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार डिस्ट्रिक्ट PRO भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर हुई शुरू। बिहार डिस्ट्रिक्ट PRO भर्ती 2021 के लिए आवेदन से वंचित रह के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पालन में बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विज्ञप्ति पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की तारीख को फिर से निर्धारण के चलते BPSC ने डिस्ट्रिक्ट PRO भर्ती 2021 के लिए एप्लीकेशन विंडो से फिर ओपन कर दिया है। आयोग की तरफ से इस संबंध में बुधवार 9 जून 2021 को जारी नोटिस के अनुसार बिहार डिस्ट्रिक्ट PRO भर्ती 2021 के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार 10 जून से 5 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। बिहार में कोविड-19 के मिले 350 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 349 मरीजों की पुष्टि हुई है, जो इसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 3395 पर पहुंच गई। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 13, बांका में 3, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 4, भोजपुर में 1, बक्सर में 2, दरभंगा में 17, ईस्ट चंपारण में 14, गया में 12, गोपालगंज में 28, जमुई में 2, जहानाबाद में 1, कैमूर में 2, कटिहार में 13, खगड़िया में 4, किशनगंज में 9, लखीसराय में 8, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 3, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 17, नालंदा में 9, नवादा में 5, पटना में 44, पूर्णिया में 20, रोहतास में 4, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 19, सारण में 12, शेखपुरा में 4, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 9, सुपौल में 21, वैशाली में 13, वेस्ट चंपारण में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,09,950 सैंपल की जांच की गई, जिसके बाद 494 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। राज्य सरकार की तरफ से बीते दिन 5 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसके तहत 3 जिलों के DM को भी बदला गया। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जहानाबाद, मुंगेर, सीतामढ़ी के DM को बदल दिया गया है। हिमांशु कुमार रॉय को जहानाबाद का DM बनाया गया, जबकि नवीन कुमार को मुंगेर का DM बनाया गया। सुनील कुमार यादव अब सीतामढ़ी के नए DM होंगे। इसके साथ ही रचना पाटिल को सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात किया गया है। अभिलाषा कुमारी वर्मा को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर किया गया। बिहार में हर खेत को सिंचाई का 95% सर्वे हुआ पूरा। बिहार में हर खेत की सिंचाई करने की योजना के साथ काम किया जा रहा है, जिसके तहत करीब 95% काम पूरा हो चुका है। बचे हुए हिस्से का सर्वे इस महीने पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे अधिकतर किसानों ने सरकार से सिंचाई के लिए बिजली से चलने वाले नलकूप की मांग की है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत को सिंचाई का सर्वे 18 जनवरी से शुरू हो चुका था और इसे 100 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। सर्वे को लेकर 5 विभाग को मिलाकर नगर खंड के लिए टीम बनाई गई है। इस तरह सर्वे में करीब 534 टीम काम कर रही है। इसके अलावा हर जिले में मॉनिटरिंग के लिए भी अलग से एक टीम और मास्टर ट्रेनरों की एक टीम बनाई गई थी। बिहार STET 2019 के लिए जारी हुई बड़ी खुशखबरी। बिहार STET 2019 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 22 जून तक STET के रिजल्ट की घोषणा करने की तारीख जारी कर दी गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव संजय कुमार की माने तो बिहार बोर्ड के साथ इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें STET 2019 के बाकी विषयों के रिजल्ट पर चर्चा हुई। इसमें आ रही तमाम तरह की तकनीकी बाधाएं दूर कर ली गई है। उर्दू, संस्कृत और साइंस विषय के रिजल्ट पेंडिंग थे। इन विषयों का रिजल्ट अब अगले सप्ताह 22 जून तक पब्लिश किया जा सकता है। आपको बता दें, STET की परीक्षा के दौरान पेपर 1 में 1,09,667 और पेपर 2 में 45,284 अभ्यर्थियों ने शिरकत लिया था। बिहार में बालू गिट्टी के अवैध कारोबारियों पर लगी सख्ती। बिहार में बालू गिट्टी के अवैध कारोबारियों पर सख्ती। बिहार पुलिस के ADG जितेंद्र कुमार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बालू गिट्टी के अवैध कारोबार पर अब सख्ती बरती जाएगी। राज्य सरकार बालू गिट्टी के अवैध कारोबार करने वाले और इस धंधे से गलत तरीके से धन कमाने वालों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर रही है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बालू और गिट्टी के अवैध खनन और इसके ढुलाई और बिक्री में बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हो रही है। इसको लेकर नया नियम लाने की तैयारी भी चल रही है। साथ ही साथ पहले से कानून का भी सहारा लिया जा रहा है। अवैध बालू खनन और
इसकी ढलाई में पकड़ी गई मशीन या वाहन को छुड़ाने के लिए जुर्माने की राशि का निर्धारण भी वाहन के मूल्य के अनुसार तय किया जाएगा। इसके अलावा पकड़े गए वाहन को एक महीने तक उनके मालिकों द्वारा जुर्माने की राशि देकर नहीं ले जाने पर उसकी नीलामी भी की जाएगी। आज बिहारी व थ्रे स्पेशल में हम बात करेंगे नीतू चंद्रा की। नीतू चंद्रा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में आज ही के दिन साल 1984 को हुआ था। नीतू चंद्रा एक भारतीय अभिनेत्री, निर्माता और थिएटर कलाकार है। वो एक स्थापित शास्त्रीय नृत्यांगना और एक सक्रिय खिलाड़ी भी हैं, जो NBA और ताइक्वांडो के साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से देश में बास्केटबॉल को बढ़ावा देने में शामिल है, जो चौथी डेन ब्लैक बेल्ट है। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस चंपारण टॉकीज है, जिसने फिल्म मिथिला माखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म का निर्देशन उनके भाई नितिन चंद्रा ने किया था। पटना यूनिवर्सिटी में अतिथि शिक्षकों की बहाली को किया गया एक्सटेंड। बिहार के विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 11 महीने के एक्सटेंशन के साथ अधिकतम 50,000 मानदेय का भुगतान करने का फैसला 13 अप्रैल 2021 को जारी कर दिया गया था, जिसके बाद पटना यूनिवर्सिटी ने 4 जून को प्रक्रिया शुरू कर दी थी और 18 जून को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। यानी कि 14 दिन के अंदर मानकों के अनुरूप चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रक्रिया पूरी करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया। पटना यूनिवर्सिटी के बाद बिहार के अन्य विश्वविद्यालय अपने यहां कार्यरत अतिथि शिक्षकों को एक्सटेंशन देने में अभी भी पीछे है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी विश्वविद्यालय भी इसकी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। याददाश्त पंजी में गड़बड़ी की मिली शिकायत। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान याददाश्त पंजी में गड़बड़ी की शिकायतों को दूर करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इसको लेकर कई जिलों के भू स्वामियों की शिकायतें सामने आने के बाद उनकी जमीन बिहार सरकार के नाम चढ़ा दी गई है। लगातार आ रही शिकायतों के अनुसार दोबारा अपने नाम पर जमीन दर्ज करने के लिए नाजायज रकम की मांग करने की बात सामने आई है। शिकायतों की बहुलता को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने 4 अफसरों को नमूना जांच के लिए जिलों में भेजा है। यह अधिकारी 9 जिलों में जाएंगे। आपको बता दें कि जमीन पर किसका कब्जा है, जमीन मालिक से स्वामित्व के कागजात, इसको लेकर मांगे जाते हैं, जिसके बाद याददाश्त ब्यौरा दर्ज होता है। पूरा ब्यौरा दर्ज होने के बाद तैयार याददाश्त पंजी को दस्तावेज का दर्जा दिया जाता है। पटना में 10 जगहों पर बनेंगे IPT स्टैंड। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 9 जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण का काम शुरू हो गया है, जिसको अगस्त महीने तक तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, वैन, मिनी बस, सिटी बस आदि मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन की श्रेणी में आते हैं। शहर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने वाला अथवा शहर के एक हिस्से को परिवहन के मुख्य साधन जैसे रेलवे, बस, जहाज, हवाई जहाज, मेट्रो आदि से जोड़ने वाला वाहन मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन कहे जाते हैं, जिसके तहत अब GPO गोलंबर, चिरैयाटार ब्रिज, बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल 1, बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल 2, तारामंडल गार्डनेरियर अस्पताल, बांसघाट DM आवास, गांधी मैदान, गेट संख्या 5, जमाल रोड पर IPT स्टैंड की सुविधा मिलने वाली है। यात्रियों की सुविधा के लिए इन विशेष गाड़ियों का होगा फिर से संचालन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन की तरफ से जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरक्षित विशेष गाड़ियों का पुनर्संचालन दोबारा से किया जाने का फैसला लिया गया है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जिन गाड़ियों का पुनर्संचालन किया जाएगा उन सभी को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को COVID-19 के मानकों का पालन करना होगा, जिसके तहत गाड़ी संख्या 05142 26 जून 2021 से अगली सूचना तक, ट्रेन संख्या 05141 27 जून 2021 से, गाड़ी संख्या 05080 28 जून 2021 से, गाड़ी संख्या 05079 गाड़ी संख्या 05080 और 05079 28 जून 2021 से अगली सूचना तक परिचालित की जाएगी। एक्टर और सिंगर पवन सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा। अभिनेता और सिंगर पवन सिंह की सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन एक फैन उनसे मिलने पहुंचा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस प्रशंसक ने अपने हाथ को काटकर पवन सिंह का नाम लिखवा रखा था। उस दौरान वो उनके घर के बाहर मिलने के लिए काफी देर तक खड़ा रहा। घर के अंदर कुछ लोग निकले और उसके बाद लड़के से पूरी जानकारी ली। इसके बाद उससे पवन सिंह भी मिलने पहुंचे। इसके साथ ही इस दौरान पवन सिंह ने आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करने की बात समझाई है। दिल्ली से मिलने आए लड़के के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई, इसके बाद आगे से ऐसा नहीं करने के लिए कहा, जिसके बाद आरा SP की तरफ से पवन सिंह की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पवन सिंह के आरा स्थित आवास के बाहर लगातार मिलने के लिए लगी लोगों की भीड़ देखने को मिल जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विनीता ने 20,000 से अधिक आदिवासियों को बनाया स्वावलंबी। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा रहा है, इसी को पूरा करते हुए बिहार की विनीता ने कई कीर्तिमान अपने नाम दर्ज किए हैं। विनीता ने साल 2012 में अपने घर से 300 किलोमीटर दूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में मशरूम उगाने का प्रशिक्षण लिया।
प्रशिक्षण के बाद उसने 5 बैग के साथ मशरूम की खेती शुरू की। आज के समय में कई पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद विनीता की पहचान बिहार की किसान दीदी के तौर पर की जाती है। विनीता कुमारी ने तकरीबन 20,000 से ज्यादा आदिवासियों को प्रशिक्षण दिलाया है और पूरे इलाके को मशरूम हब बनाने का काम किया। आज के समय में विनीता कई महिलाओं को अपने साथ जोड़कर स्पॉन बनाने के लिए लैबोरेटरी तैयार कर रही है। यास तूफान के कारण बिहार के 16 जिलों में खेती हुई चौपट। यास तूफान के कारण बिहार के 16 जिलों में खेती पूरी तरीके से चौपट हो गई है। इस तूफान ने बिहार के किसानों को 100 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद कृषि विभाग की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि चक्रवात से 73,085.77 हेक्टेयर में लहराती फसल चौपट हो गई है। फसल क्षति का आकलन कर रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दिया गया है। विभाग ने किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की है। आपको बता दें, तूफान के कारण बिहार में 26 से 28 मई तक भारी तबाही देखने को मिली थी। 16 जिले के 141 प्रखंड में दलहन, लीची, सब्जी, आम की 33% से अधिक फसल नष्ट हो गई थी। सबसे अधिक नुकसान दलहन को हुआ है। पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, पटना, वैशाली, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, भोजपुर, बक्सर, अरवल, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया जिला में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। किसानों को मुआवजा देने के लिए विभाग किसानों से जल्द ही आवेदन मांगेगा। आवेदन मिलने के बाद सभी जिलों में भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। मुआवजा उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनकी फसल 33% या इससे अधिक नष्ट हो गई है। बिहार के सीमांचल को स्पेशल पैकेज देने का मुद्दा संसद में उठाएंगे ओवैसी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सीमांचल को स्पेशल पैकेज देने का मुद्दा संसद में उठाने की बात कही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ओवैसी ने पार्टी के सभी 5 विधायकों को निर्देश दिया कि COVID-19 के माहौल में गरीबों की हर संभव मदद की जाए। इसके साथ ही लोकसभा के मानसून सत्र में कुल मिलाकर 5 मुद्दों को उठाने की बात कही गई है, जिसके तहत बिहार के सीमांचल को स्पेशल पैकेज देने के साथ पटना हाईकोर्ट का बेंच पूर्णिया जिले में स्थापना करने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर की स्थापना किशनगंज में करने, अररिया गलगलिया रेलवे प्रोजेक्ट का मुद्दा संसद में उठाने और पूर्णिया में नया एयरपोर्ट बनाने की बात संसद ने करने को कहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से चिराग पासवान ने की मुलाकात। बीते दिन चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ओम बिरला से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान ने बाहर आने के बाद मीडिया को बताया कि वो किस सिलसिले में मिलने गए थे, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तथ्यों से अवगत कराया गया है और उनसे लोजपा के निलंबित सांसदों में से एक पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में लोजपा के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने के फैसले पर फिर से समीक्षा करने के लिए आग्रह किया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह गैर कानूनी है और उनकी पार्टी का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। खराब रोशनी के कारण तीसरी बार रुका खेल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऐतिहासिक खिताबी मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। मुकाबले के पहले दिन बारिश के कारण पूरी तरीके से मैच रद्द कर दिया गया था। वहीं बीते दिन दूसरे दिन मैच को तीसरी बार रोकना पड़ा। खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम ने 64.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए। खेल रोके जाने के बाद कप्तान विराट कोहली 44 रन और अजिंक्य रहाणे 29 रन बना चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को नई दिल्ली रवाना हो सकते हैं, जहां ये मुलाकात होने वाली है। जानकारों के माने तो केंद्र सरकार से होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों नेताओं की मुलाकात अहम मानी जा रही है, जिसमें बिहार के नेताओं के मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार से जदयू के 2 और इसके अलावा भाजपा कोटे के 1 मंत्री बन सकते हैं। पारस ने लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया गठन। बीते दिन दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोजपा के नए अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया, जिसके तहत नई कमेटी में 8 नेताओं को जगह दी गई। इसके साथ ही कार्यकारिणी के गठन के दौरान पारस ने राष्ट्रीय प्रदेश एवं पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ में कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सांसद महबूब अली कैसर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, सांसद रीना देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, सुनीता शर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चंदन सिंह सांसद राष्ट्रीय महासचिव, प्रिंस राज सांसद राष्ट्रीय महासचिव, संजय सराफ राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, रामजी सिंह राष्ट्रीय महासचिव और विनोद नागर को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सह राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने चिराग पासवान को दिए ऑफर के बारे में दिया अपना बयान। चिराग पासवान खेमे को लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। ऐसे में महागठबंधन के नेता चिराग पासवान को जोड़ने में लगे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से लोजपा नेता चिराग पासवान को लेकर अपना पक्ष साफ कर दिया गया है, जिसके तहत कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने चिराग पासवान के ऑफर के बारे में बताया कि यह चिराग को तय करना है कि हमारे यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। भक्त चरण दास ने कहा कि चिराग पासवान इंस्ट्रूमेंट है और बिहार के तेजतर्रार युवा नेता भी है। इसके पहले राजद भी खुला ऑफर दे चुकी है। इस बाबत राजद नेता शिवानंद तिवारी चिराग को राजद में आने पर स्वागत योग्य बता चुके हैं। वहीं विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा था कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ आए और मिलकर काम करे।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन को बनाया गया खास। बीते दिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 51वां जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बिहार में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच कोविड रिलीफ किट बांटा गया। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि गरीबों और मजदूरों के साथ आम भारतीय के हक की आवाज उठाने वाले नेता के रूप में राहुल गांधी का जीवन समर्पित है। उनके निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कोविड-19 के माहौल में सेवा कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी जनसेवा को समर्पित है और यही हमारे नेता का मूल मंत्र है। वहीं विधानमंडल दल के नेता अजीत कुमार शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के जन्मदिवस पर प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता यह प्रण ले कि हम उनको प्रधानमंत्री बनाकर दम लेंगे। मिल्खा सिंह के गुजर जाने पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई हस्तियों ने जताया दुख। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके गुजर जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत ने ऐसा महान खिलाड़ी खो दिया है जिनके जीवन से उदयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना ईश्वर से करते हुए लिखा, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। उनके धन से खेल जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने ट्वीट कर मिल्खा सिंह के निधन पर संवेदना जताई है और कहा कि उनका दिल मिल्खा सिंह के निधन की खबर सुनकर दुख से भर गया है। वहीं शाहरुख खान, नितिन गडकरी समेत कई हस्तियों ने भी उनके गुजर जाने पर शोक संवेदना व्यक्त की। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1998 में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर क्रामनिक को हराकर पांचवी फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था। 2014 में प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा आज ही के दिन हुई थी। 1858 में ग्वालियर पर ब्रिटिश सेना का कब्जा और इसके साथ ही सिपाही विद्रोह का अंत हुआ। 1873 में भारत में YMCA की स्थापना हुई। 1887 में मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लोगों के लिए खुला। आज ही के दिन को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। YouTube अब अपने फेमस स्लॉट में नहीं दिखाएगा इस तरह के एड्स। YouTube ने अपने एड पॉलिसी में बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत YouTube के मस्ट हेड पॉलिटिकल या इलेक्शन एड को नहीं दिखाया जाएगा। YouTube मस्ट हेड वो जगह है जो आपको YouTube होम पेज के टॉप पर दिखाया जाता है। इसके तहत YouTube के मस्ट हेड में गैबलिंग और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को लेकर भी कोई एड नहीं दिखाया जाएगा। इसको लेकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट के अनुसार नए एड पॉलिसी को लेकर कंपनी की तरफ से मेल किया गया है जो कि YouTube ने एडवर्टाइजर्स को किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि फुल डे रिजर्वेशन को बंद कर दिया गया है। पिछली बार इलेक्शन डे के दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने होम पेज को पूरा रिजर्व कर लिया था और इसे टारगेटेड फॉर्मेट में बदल दिया था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 19 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,230 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,230 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 99.32 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.52 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आदर्श, अनुज, रंजन कुमार, रविशंकर कुमार, असलम राज, जगदीश राम, अजित कुमार, आकाश किंग, सत्यनारायण शर्मा, दिव्यांशु कुमारी, अमर कुमार गुड्डू, कुमार मौसम सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आपके सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कला के क्षेत्र में किस शख्सियत ने बिहार का सबसे ज्यादा मान बढ़ाने का काम किया है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।